सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं सैमसंग की तरफ से सैमसंग का M52 5G आ रहा है और ऑनलाइन में ये बहुत ज़्यादा चलता है। इस वो बात करते हैं इसी के बारे में, तो बोलो देखिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग का M52 5G है, इसका बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऑनलाइन मोबाइल लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, और जो ऑफलाइन लेते हैं ना ज़्यादा, वो A52S 5G का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं M52 5G के बारे में। A52S 5G के बारे में हमने कल वीडियो बनाया था, नहीं देखा है जाके देख लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस फोन के बारे में। सबसे मैं आता हूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये फोन की जो स्पेसिफिकेशन में सबसे मैं आऊँगा बिल्ड डिजाइन में, बाद में बात करेंगे प्राइस एंड ऑनलाइन के बारे में। सबसे मैं आता हूँ बिल्ड डिजाइन में। तो यहाँ पे इस फोन में जो बिल्ड डिजाइन है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि M51 का डिजाइन जो बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी का था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, एंड मैं पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। बट इस बार आपको A52 4G जो आया था वैसा कुछ डिजाइन देखने मिलेगा, जो ब्लू कलर में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है और व्हाइट में भी अच्छा लगता है, बट पर्सनली ब्लू बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो कमेंट करता हूँ आप लोग क्या लगता है, कलर्स भी आपको अच्छे अच्छे देखने मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले में आप बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच, नहीं 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, 6.67 इंच का फुल एचडी का डिस्प्ले मिलेगा। सुपर एमोलेड मिलेगा, सेंटर पंच होल मिल जाएगी और 120 रिफ्रेशिंग रेट भी मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कहीं वेबसाइट में लीक आया है कि IPS पैनल मिलेगा, तो अब देखिए मेरे को पर्सनली लगता है कि इसमें IPS पैनल होगा, क्योंकि जब भी सैमसंग ने ज़्यादातर अपने जो फोन चल जाते हैं उसके साथ IPS पैनल के साथ जाता है, तो फिर उसके बाद उनको एक फेलियर आ जाता है, भाई फेलियर हो जाता है वो। तो इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि सुपर एमोलेड ही, क्योंकि आजकल ना सैमसंग ही ने आदि बना दिया सबको सुपर एमोलेड का। क्योंकि ऐसा आप लोग खुद देखना अपने साथ कि अगर आपने एक बार सुपर एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले फोन चला लिया है, तो फिर आपको मन नहीं करेगा IPS वाला फोन चलाने में, क्योंकि वो मज़ा नहीं आती है, वो क्वालिटी में एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत सारे आप लोग भी देखना कभी अपना एक्सपीरियंस करना। तो ये बात ज़्यादा होना चाहिए, सुपर एमोलेड होना ही चाहिए। आइए बात कर लेता हूँ आगे यहाँ पे चिपसेट के बारे में। तो यहाँ परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देखने मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। परफॉर्मेंस जो है ना बहुत तगड़ी और बहुत ज़्यादा मक्खन टाइप की हो जाने वाली है आपको। कैमराज में जाता हूँ, तो मेन कैमरा 64 पिक्सल का मिलेगा, F1.8 अपर्चर का, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाएगा। तो चार कैमरा मिलने वाले हैं, क्वाड कैमरा रियर में। सेल्फी में सेंटर पंच होल के साथ आपको 32 पिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी F2.0 अपर्चर के साथ, तो वो भी आपका ओवरऑल अच्छा खासा काम कर देने वाली है। बैटरी में आ जाता हूँ, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी मिलेगा, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिल जाएगी। पिछले बार सैमसंग ने हाइप बनाई हुई थी भाई 7000 mAh, 7000 7000 7000, बट सब लोगों ने यही, बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लेन करी थी कि ये 7000 जैसा काम नहीं कर रही है, 5000 जैसा काम कर रही है। तो इस बार सैमसंग मुझे नहीं लगता हाइप करने वाला है, इस बार सिंपली वो 5000 ही दे देगा एंड 25 वोल्ट के साथ आपको मिल जाएगा। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे या बहुत सारे बोलेंगे ठीक है 25 वोल्ट, बट कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि 25 वोल्ट कम है, क्योंकि भाई अदर ब्रांड 67 65 में जा रहे हैं और सैमसंग अभी तक 25 में है, बट सैमसंग है यार देख लो। UI में एंड्रॉइड शायद एंड्रॉइड 12 आ जाए जब तक, तो है ना उसमें मिल जाए आउट द बॉक्स, एंड आपको One UI के साथ रन करने वाला है। ये हुआ सैमसंग का M52 5G। पिछले साल अगस्त या सितंबर के मंथ में जो है M51 आया था, जिसने भाई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मार्केट ले लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा चला था यार, मुझे याद है अभी भी, मतलब सेल में आया था स्टार्टिंग ऑफ 2021 और मिड में भी, अभी तो मिड ही चल रहा है, मतलब अभी जो सेल्स आई थी जैसे लॉकडाउन के पहले, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चला था ये M51। तो इसलिए M52 भी उसका एक भाई, बड़ा भाई जो आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है, मुझे भी पर्सनली लगता है, अगर ये स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो। अगर IPS के साथ दे देंगे या उसमें चेंजेस कर देगा सैमसंग, तो फिर बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस अगर फाइनली बात कर लेता हूँ, तो इस फोन को जो प्राइस होने वाला है वो 25 से 20 हज़ार रुपये में होने वाला है। अगर 20 से 25 हज़ार रुपये में देखते हो, तो डेफिनेटली चिपसेट एक नंबर, डिस्प्ले एक नंबर, बैटरी एक नंबर, कैमरा एक नंबर, आप बोल सकते हैं हर चीज़ में ऑलराउंडर बना दिया है सैमसंग ने इसको। एंड फाइनली मैं बात करता हूँ लॉन्जरी मैन कब आ रहा है, तो सितंबर के मंथ में आने वाला है। हाँ खबर यही है कि सितंबर के मंथ में मिलेगा, क्योंकि अगस्त में कुछ ही दिन बाद यहाँ पे सैमसंग का बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें Z Fold 3 आ रहा है एंड Flip 3 आ रहा है, तो वो उसके उसके साथ तो लॉन्च नहीं करेगा ये कभी मत सोचना। एंड तो और A52S की सीरीज वो भी जो है वो भी आनी है, तो इसलिए अगस्त तो नहीं आएगा, सितंबर में ये फ़ोन आपको मिल सकता है, अमेजोन ही पे आएगा, क्योंकि एफ सीरीज फ्लिपकार्ट के लिए रखी हुई है, एम सीरीज अमेजोन के लिए रखी हुई है। तो बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री है यार कर लो। एंड बताओ कमेंट करके M52 5G के लिए इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा है कर रहे हो, बता देना कमेंट करके, मैं तो पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, बट बताना आप लोग अपनी राय बताओ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग,